बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ऑडियंस में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, लेकिन जब सालों बाद उन्होंने अपना कमबैक किया तो उनके हाथ निराशा ही लगी। दिशा परमार जल्द ही सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 से अपना कमबैक करेंगी, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या उनका कमबैक सुपरहिट होगा। इस कड़ी में आज बात करेंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका कमबैक शो सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। जूही परमार। बिग बॉस जीतने के बाद जूही परमार ने पौराणिक शो संतोषी माँ से कमबैक किया था। ये शो ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ पाने में नाकामयाब रहा। इन दिनों जूही परमार जी टीवी के सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज में नजर आ रही हैं। हालांकि ये शो भी टीआरपी के मामले में कहीं भी आगे नहीं है। परिधि शर्मा। जोधा अकबर फेम परिधि शर्मा ने सीरियल पटियाला बेब से कमबैक किया था। कम टीआरपी के चलते इस शो को तो मेकर्स ने जल्द से जल्द बंद कर दिया। राजश्री ठाकुर की बात करें तो 7 फेरे से उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। राजश्री ठाकुर ने सीरियल शादी मुबारक के जरिए सालों बाद टीवी पर वापसी की थी, लेकिन उनके हाथ भी सफलता नहीं लग पाई थी। श्वेता गुलाटी। रिमिक्स और दिल मिल गए जैसे शोज में दिखने वाली श्वेता गुलाटी ने भी टीवी पर सालों बाद कमबैक किया है। श्वेता का कमबैक शो तेरा यार हूँ मैं है, जो टीआरपी चार्ट्स में जगह बना पाने में नाकामयाब रहा है। सुकृति कांडपाल। सुकृति भी टीवी इंडस्ट्री का एक नया चेहरा नहीं है। एक्ट्रेस ने सालों बाद सीरियल स्टोरी 9 मंथ्स की से टीवी पर वापसी की, लेकिन ये शो भी कुछ कमाल नहीं कर पाया। मानसी जोशी। एक्टर शर्मन जोशी की बहन मानसी जोशी ने छोटे पर्दे पर सीरियल 2.5 किलो प्रेम से वापसी की थी। ये शो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का बंद होने के बाद दीपिका ने सीरियल कहां हम कहां तुम से कमबैक किया था। ये शो टीआरपी चार्ट्स में अपनी जगह कुछ समय के लिए ही बना पाया, फिर शो की कहानी कुछ ऐसी हो गई कि लोग बोर हो गए और फिर इस शो को जल्द से जल्द ऑफ एयर करना पड़ा। दिशा परमार। जल्दी दिशा परमार बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 से टीवी पर कमबैक करेंगी। सवाल ये है कि दिशा का ये कमबैक शानदार हो पाएगा। बात करें दिशा के पिछले शो की तो उन्होंने वो अपना सा नाम का एक शो किया था जिसने टीवी पर कुछ खास कमाल नहीं किया था। फिलहाल तो हमें दिशा परमार के कमबैक का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, दिशा परमार बड़े अच्छे लगते हैं में प्रिया का किरदार निभाकर ऑडियंस का दिल एक बार फिर से जीत पाएंगी या फिर नहीं, कमेंट्स में हमें बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।